ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, इसमें मिलने वाले पदक किस धातु के बने होते हैं, इन दोनों विषयों पर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक मशाल के बारे में और जानेंगे कि ओलंपिक मशाल की शुरुआत कब हुई, इसका क्या महत्व है, ये किस धातु की बनी होती है, साथ ही इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, शुरुआती दशक में ओलंपिक इतना बड़ा खेल आयोजन नहीं होता था जितना आज है। शुरुआत के 7 ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने जैसी कोई प्रथा नहीं थी। जब साल 1928 में 8वें ओलंपिक की मेजबानी एम्स्टर्डम को मिली तो उन्होंने पहली बार एक ऊंची मीनार पर ओलंपिक मशाल जलाई जो पूरे खेलों के दौरान जलती रही। बस यहीं से शुरू हुआ ओलंपिक मशाल का सफर। इसके बाद से अब तक यह परंपरा जारी है। यह मशाल सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत पवित्र होती हैं। यह मशाल गैस से जलती है। समय के साथ इसके आकार, रंग और इसके बनाने में उपयोग होने वाली वस्तुएं बदलती रही, लेकिन प्राचीन समय से लेकर आज तक इसके मूल स्वरूप को नहीं बदला गया। अब अगर हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसमें जो मशाल जलाई गई है उसका शीर्ष हिस्सा चेरी ब्लॉसम के आकार का था। इस मशाल को बनाने में वही तकनीक इस्तेमाल की गई थी जो जापान की बुलेट ट्रेन बनाने में की जाती है। टोक्यो ओलंपिक का मशाल सुनहरे गुलाब की तरह चमकदार था। इस मशाल की लंबाई 71 सेंटीमीटर और वजन 1 किलो 200 ग्राम का था। इस मशाल को बनाने के लिए वर्ष 2011 में भूकंप और सुनामी पीड़ितों के लिए अस्थायी मकान बनाने में इस्तेमाल किए गए एल्यूमिनियम से निकले अपशिष्टों का इस्तेमाल किया गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारे चैनल से जुड़ने का आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। अब बात करते हैं ओलंपिक मशाल से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार मशाल यात्रा शुरू हुई और आयोजन वाले देश के अलावा अन्य देशों में भी मशाल को घुमाया जाने लगा। साल 1952 के ओस्लो ओलंपिक में मशाल ने पहली बार हवाई मार्ग से यात्रा की। साल 1956 के स्टॉकहोम ओलंपिक में पहली बार घोड़े की पीठ पर मशाल यात्रा संपन्न हुई। साल 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में पहली बार मशाल को समुद्र के रास्ते ले जाया गया। साल 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में कनाडा ने एथेंस से ओटावा तक मशाल के सफर का पहली बार सैटेलाइट प्रसारण किया था। साल 1994 के लिली हैमल शीतकालीन खेलों के दौरान पैरा जंपरों ने पहली बार हवा में मशाल का आदान प्रदान किया। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में तो मशाल को ग्रेट बैरियर रीफ के पास समुद्र की गहराई में भी उतारा गया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से था ओलंपिक मशाल का सफर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।